दोस्तों, अगर आपने भी दिल्ली होमगार्ड के लिए फॉर्म को फिल कर दिया है और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको पता चला है भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तब क्या यहाँ पर कोई करेक्शन का ऑप्शन है? क्या कोई करेक्शन की डेट आने वाली है जिसमें आप फीस वगैरह पेमेंट करके अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर लें? या फिर अगर डेट वगैरह नहीं आने वाली है तो क्या आप यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट वगैरह तो नहीं होगा? तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसी सब चीजों की जानकारी वगैरह मिलने वाली है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों, आगे चल के कोई भी यहाँ पर करेक्शन की डेट वगैरह नहीं आने वाली है, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है कि आगे चल के कोई भी करेक्शन की डेट है जिसमें आप फीस वगैरह पेमेंट करके अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर लें। और हाँ, करेक्शन से रिलेटेड काफी सारी चीजें इसकी नोटिफिकेशन बता रखी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैंने दिल्ली होमगार्ड के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया उसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग डेट वगैरह दे रखी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी करेक्शन की डेट मेंशन वगैरह नहीं कर रखी है। अब जब दोस्तों आप डायरेक्ट इसके पेज नंबर 5 पे आएंगे तो यहाँ पर एफ नंबर पॉइंट जो दे रखा है, 8 नंबर पॉइंट के अंदर एफ नंबर पॉइंट है, उसमें ये लिखा हुआ है बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले कैंडिडेट मस्ट चेक द एंश्योर दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स इन द फील्ड ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो कैंडिडेट को अच्छे से चेक कर लेना है कि उसने सभी फील्ड को अच्छे से फिल किया है या फिर नहीं किया है। वंस ऑनलाइन फॉर्म इज सबमिटेड, एक बार ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाता है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, कोई भी चेंज की रिक्वेस्ट, करेक्शन की रिक्वेस्ट या फिर मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट विल बी एंटर्ड और अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो आपको वो सभी रिक्वेस्ट वगैरह नहीं भेजनी है एक बार आपका फॉर्म अगर सबमिट हो गया है तो। रिक्वेस्ट रिसीव्ड इन द रिगार्ड ऑफ एनी फॉर्म लाइक पोस्ट, ये सभी मतलब चाहे आप पोस्ट से भेजें, चाहे आप फैक्स से भेजें, चाहे ईमेल से भेजें, चाहे बाई हैंड भेजें, वो सभी रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। तो भैया इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी करेक्शन की प्रोसेस आगे नहीं मिलने वाली है आपको, ना ही आप इसके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया है। अब इसके बाद क्या आप यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं? तो उससे रिलेटेड भी कुछ जानकारी दे रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसी पेज पर दोस्तों जब आप पॉइंट नंबर बी पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ लाइन दे रखी है ऑन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, अगर आपने कोई मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर दिया है एंड अपीयरेंस इन द एग्जामिनेशन एट एनी स्टेज, या फिर आपने मल्टीपल अपीयरेंस आपकी पाई जाती है किसी भी स्टेज पर एग्जाम में एक से ज्यादा बार, एज एंड हर कैंडिडेट विल बी कैंसल, तो आपका जो फॉर्म होगा वो सब कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको होमगार्ड के लिए वॉलंटियर नहीं माना जाएगा। अब आप ये बोलेंगे भैया यहाँ पर तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की बात हुई है, क्या यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म को फिल कर दें तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो इसी नोटिफिकेशन जब आप पेज नंबर 6 पर आएंगे तो यहाँ पर एक लाइन और दे रखी है, इफ ए कैंडिडेट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन एंड अपेयर इन द एग्जामिनेशन एट एनी स्टेज मोर देन वंस, हिज एंड हर कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड एंड ही विल बी डिजायरेबल एनरोलमेंट एज होमगार्ड। तो वही लाइन यहाँ पर भी दे रखी है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए इन्होंने बता दिया भैया आप मल्टीपल एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं कर सकते, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देख लेना भैया, आप यहाँ पर ना ही मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ना ही यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर पाएंगे, ना ही आगे चलकर कोई करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है। तो आपके फॉर्म में जो भी मिस्टेक वगैरह हुई है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं होगी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें कैंडिडेट को ये लगने लगता है भैया मेरे से मिस्टेक हो गई तो आगे चल के मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों फॉर्म तो ऐसे रिजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके नाम में अगर मिस्टेक है तो हो सकता है आपको एग्जाम ना दिया नहीं दिया जाए, क्योंकि वहां पर अगर उन्होंने पकड़ लिया नाम में मिस्टेक है या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, आईडी चेक होती है ना, तो वहां पर आपको हो सकता है निकाल दें, लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा। और इसी तरीके से अगर कोई दूसरी मिस्टेक होती है तो आप एग्जाम तो दे लेंगे, लेकिन आगे चल के हो सकता है जो इसकी प्रोसेस हो लास्ट वाली, जहां पर मतलब फाइनल प्रोसेस जो होती है, फाइनल मेरिट बनती है, तो वहां पर हो सकता है आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाए। लेकिन कई सारी एग्जामिनेशन फॉर्म में ऐसा भी हो जाता है आखिरी में, जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई मिस्टेक वगैरह पाई जाती है तो वहां पर आप एफिडेविट वगैरह लगा सकते हैं, तो आपको वहां से निकाला नहीं जाएगा और हो सकता है आपको वहां पर मौका मिल जाए। या फिर कोई करेक्शन की प्रोसेस वगैरह आएगी तो मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि भैया ये प्रोसेस है करेक्शन की, आप इसके फॉर्म में इस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए।